अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे जैज़ कैश से इजी पैसे ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम जाते हैं जैज़ कैश में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 99 रुपीज़ हैं, और दूसरा मेरा अकाउंट है इजी पैसा ऐप, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैसे हैं। तो हम सबसे पहले अपने जैज़ कैश से हमने इजी पैसा करना है, तो जैज़ कैश से हम यहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, मोबाइल अकाउंट, CNIC बैंक। मोबाइल अकाउंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, CNIC अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए, और बैंक, हम बैंक पर क्लिक करेंगे। बैंक पे क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट सारे बैंक के नाम जा रहे हैं, तो हम सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पे थर्ड लास्ट आप देख सकते हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इस पर सिंपल क्लिक कर देने। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास फिलअप आ गया है, एक फॉर्म आ गया, तो हमने इसे फिलअप करने। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर रिसीव बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे हमने अपने इजी पैसा अकाउंट का नंबर लिखना है। तो सबसे पहले मैं अपना नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट का, बिल्कुल लास्ट पे भी सेम नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने एंटर अमाउंट, यानी कि जितनी आपने अमाउंट सेंड करनी है उतनी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं 99 कर देती हूँ, और नीचे सिलेक्ट पर्पस ऑफ पेमेंट, पेमेंट किसके ज़रिए, इनके सिलेक्ट पर इनके किस पर्पस के ज़रिए आप, क्या पर्पस है आपका कि आप पेमेंट भेजना चाहती हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे फैमिली सपोर्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली सपोर्ट हमने क्लिक किया, और यहाँ पर नीचे एक येलो कलर का आइकॉन आ गया, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे आप अपने पिन कोड लगाना है, अपना पिन कोड, मतलब कि यहाँ पे जो भी इस आपका इनकी इस जैज़ कैश का पिन कोड है, चार वर्ड्स का ही होता है, चार डिजिट होते हैं इसके, आपने इसे यहाँ पे सिंपल ऐड करना है। तो मैं ऐड नहीं करूँगी, मेरा इसका फिंगर है, तो यूज़ टच आईडी आर, मैं यूज़ टच आईडी करूँगी, सिंपल इस पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पर मैं अपना टच आईडी करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, इसमें सेव वगैरह कुछ नहीं करूँगी, मूव इट। अब मैं जाऊँगी अपनी इजी पैसा की तरफ, ये से मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 यहाँ पे मेरा अकाउंट बैलेंस है। तो हम जाएंगे यहाँ से इजी पैसा की तरफ, तो यहाँ पे जहाँ यहाँ इसे दोबारा रिफ्रेश करूँगी मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे 45,400 था, अब यहाँ पे 45,499 रुपीज़ यहाँ पे मेरे अभी करंट बैलेंस इसमें मौजूद है। बहुत ही इजी तरीके है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।